नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, एक बड़ी खबर पेधार अंतर्गत कल हुए गोलीबारी से संबंधित। कल सुबह 21 जून को पेधार के शानभार क्षेत्र में अज्ञात बाइक पर आए अज्ञात हमलावरों ने रिक्शा सवार एक व्यक्ति को गोली मारी थी। उस मामले में पेधार पुलिस ने काफी तत्परता दिखाते हुए 12 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। पेधार पुलिस ने अपनी तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट ने जो प्रेस नोट जारी किया है और पुलिस ने जो खबर दी है उसके आधार पर ये निकल के सामने आया कि जो पीड़ित है उसके पास 50,000 रुपये थे और वो लेकर उतर रहा था। ये चीज हमलावरों ने देखा तो उससे पैसे छीनने की कोशिश की। जब उसने पैसा नहीं दिया तब उन्होंने उसका पीछा किया और पीछा करने के बाद में आगे जाकर उस पर गोलियों से हमला कर दिया। दो राउंड फायर करते हुए उसको गंभीर जख्मी कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है जो कि पेधार के अलग अलग क्षेत्र में वन विभाग की जगह में जाकर छुपे हुए थे, लेकिन 12 घंटों में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी से एक देसी कट्टा, 2 कारतूस और 50,000 रुपये कैश और 2 मोटरसाइकिल जो इस काम में इस्तेमाल की गई है उनके भागने में, ऐसे सब चीज पुलिस ने अपनी हिरासत में ली है। आगे की जांच पुलिस कर रही है और एक बड़े मामले में कल पुलिस ने जल्दी खुलासा किया। पहला पुलिस के पुलिस निरीक्षक ने क्या कुछ कहा भी वीडियो में देखिए आगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। पति संतोष मोहन से अपने घर से निकला था रिक्शा में से, तो उसके पास कुछ बैग था। आरोपी को ऐसा लगा कि उसके बैग में काफी ज्यादा पैसे है, इसलिए आरोपी ने उनको फॉलो किया और शानबार नाके के यहाँ 2 आरोपी में से एक आरोपी ने बाइक से उतर के और उसे बैग छीनने की कोशिश की। उसने बैग नहीं छोड़ा तो उसके ऊपर 3 राउंड फायर कर दिए। उसमें वो अजय प्रजापति जो है उसके कंधे पे गोली लगी, उसको इंजरी हुई, आउट ऑफ डेंजर है। 3 आरोपी को अभी तक अरेस्ट किया है। सर, ये जो आरोपी पकड़े गए हैं ये कहाँ के हैं और किस तरीके का उनका बैकग्राउंड है? ये आरोपी सब आरोपी यूपी के हैं। एक यहाँ का है, गोखुरे रहने वाला है, बाकी 3 जने यूपी वाले हैं, लेकिन एक यूपी से अभी आया था, उसके पास वेपन था। जावेद खान आरोपी है, उसको अरेस्ट किया हमने, उसके पास वेपन भी रिकवर हुआ है जो यूज किया है। तो बेसिकली सर ये इनका इंटेंशन इस क्राइम के पीछे, उनको ऐसा इन्फॉर्मेशन था कि उसके बैग में ज्यादा पैसे हो तो बैग छीनने का उनका इंटेंशन था। सर, आपने FIR दाखिल होने के पहले डिटेक्ट कर लिया, क्या कहेंगे? जैसा इनपुट मिला हमारे डिटेक्शन टीम सनील पटेल और बाकी टीम लोगों ने आजू बाजू में सर्च लिया तो एक आरोपी को उठाया, एक आरोपी पकड़ा तो बाकी लोग उसके इनपुट पर मिल गए। बाकी सर इसमें और भी आरोपी हैं सर? और एक आरोपी जो हम उसकी तलाश कर रहे हैं। तो ये हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।